ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आज हम बात करेंगे गरीब लोगों को शादी क्यों नहीं करनी चाहिए, लव मैरिज क्यों नहीं करनी चाहिए। तो पहले मैं आपको दो चीज़ क्लियर कर दूं, ये उनके लिए है जो भाग के शादी करना चाहते हैं अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट, या फिर कुछ अगर घर वाले एग्री हैं, सब कुछ एग्री है तो भैया कोई दिक्कत नहीं, हाथ जोड़ो, ये वीडियो छोड़ो। और दूसरा, गरीब की डेफिनेशन क्या होती है? देखो, गरीब की डेफिनेशन वो होती है जो केस का खर्चा नहीं उठा सकता। वैसे तो जनरली क्या होता है, रोटी कपड़ा मकान जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो गरीब होता है, लेकिन हमारे केस में क्या है, गरीब यहाँ पे वो पर्सन है जो केस का खर्चा नहीं उठा सकता। अगर मान लो शादी कर ली, उसके बाद जो केस होते हैं उसका खर्चा नहीं उठा सकता लॉन्ग टर्म में, ठीक है, वो गरीब है। या फिर जो वो पर्सन जो लंबी लंबी तारीखें नहीं झेल सकता कोर्ट की, जो कोर्ट कचहरी अफोर्ड नहीं कर सकता, होता ना भाई, जैसे कोर्ट कचहरी से तो भगवान बचाए, वो कहा होता ना, खुदा महफूज रखे हमें तीन बलाओं से, वकीलों से, हकीमों से और हसीनों की निगाहों से। तो ठीक है, क्लियर डेफिनेशन गरीब की। ओके, अब आते हैं मुद्दे पे। एक होता है लड़का रमेश, तो रमेश क्या करता है, शादी कर लेता है भाई, ठीक है, लड़की से शादी कर लेता है, मतलब आपस में लड़गुत के जो भी है अपने पेरेंट्स से शादी कर लेता है। अब क्या होता है, शादी अच्छी चल रही होती है, अब लड़के के पास क्या होता है, इनकम सोर्स होता है लेकिन कम होता है। अब वाइफ के और उन दोनों के ना डिस्प्यूट अराइज होते रहते हैं धीरे 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 होते रहते हैं। एक दिन लड़की क्या करती है भाई, सोच लेती है कि यार मेरे को इसके साथ नहीं रहना। और सुन लो, वो लड़की ना भाग के आई थी अपने घर से, इवन कुछ सिंगल वो भी लेके नहीं आई थी बर्तन, मतलब कुछ लेके नहीं आई थी बर्तन कुछ लेके नहीं आई थी। लड़की सोचती है कि यार मेरे को डाइवोर्स में ही फ़ायदा है, तो वो डाइवोर्स अप्लाई कर देती है, कोर्ट में डाइवोर्स अप्लाई कर देती है कि भाई मेंटली क्रुएलिटी करता है, वो साइड में चलता रहता है, ठीक है। फिर वाइफ डाल देती है मेंटेनेंस 125 CRPC, सुना होगा आपने। तो अब कोर्ट से ऑर्डर हो जाता है कि हस्बैंड को भी आपको वाइफ को इतना पे करना है। अब रमेश सोचे कि यार ये कुछ लेके आई नहीं, ठीक है, मेरे साथ 2-4 साल रही, उसमें भी इसने मतलब अच्छे से निभाई नहीं, और मेरे को इसको मेंटेनेंस भी देना पड़ रहा है, या तो मैं इसका मंथली का मेंटेनेंस दूँ या फिर मैं इसका एक साथ का वन टाइम सेटलमेंट करूँ। तो उसने सोचा कि यार मतलब 4 फेरे हो गए, फिजिकल रिलेशन बन गए, भाई उसने भी तो बनाए थे ना फिजिकल रिलेशन, ऐसा तो है नहीं लड़के ने कुछ करा है, भाई उसकी भी तो मर्जी थी, भाई लड़के ने मजे लिए तो लड़की ने भी तो मजे लिए होंगे ना, समझ रहे, माफ़ करना मैं थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ। तो उसने सोचा यार 7 फेरे हो गए, अब इसका मन हो गया भाई इसको जाना है, तो ये चली गई, अब मेरे को मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा, या तो मैं इसका मंथली मेंटेनेंस दूं या फिर मैं इसको एक साथ दे के इसको फ्री कर दूं, ठीक है। अब देखो यही होता है इंडियन लॉ में, यही है जो प्रोविज़न है ना, वो यही बनाया है कि अगर मान लो आप शादी करते हो ना, ठीक है, गरीब लोगों के लिए बताओ, इवन लड़की अपने घर से कुछ सिंगल वो भी नहीं लेके आई, कुछ भी लेके नहीं आई, फिर भी वो मेंटेनेंस के लिए एलिजिबल है, मेंटेनेंस के लिए एलिजिबल, या तो उसको आप मंथली का दो या फिर आपको या उसको सेटलमेंट मतलब वन टाइम वाला दो कि ले भैया तेरे जितने अब मेरे से निकल, ठीक है, म्यूचुअल डाइवोर्स में जो भी है। अब यार देखो सीन ये समझो कि जो लड़की कुछ लेके नहीं आई, यानी कि हम ये नहीं कह रहे लेके आए, लेकिन वो रही भी तो नहीं ना, चलो मानो लेके नहीं आई कुछ नहीं आई, अब उसका बैड इंटेंशन देखो। अब ऐसे क्या करते हैं, बहुत सारी लड़कियाँ क्या करती हैं, लड़कों को फंसा लेती हैं कि भाई इससे शादी का नाटक करेंगे, 2-4 साल रहेंगे, फिर मेंटेनेंस लेके इकट्ठा और निकल लेंगे, फिर दूसरी शादी कर लेंगे, फिर और कर लेंगे। तो इससे क्या होता है ना, गरीब जो लड़के होते हैं ना, गरीब लड़के होते हैं जो मेरी तरह गरीब लोग होते हैं, उनके ऊपर बहुत बर्डन आता है कि यार लेके कुछ नहीं आई, 1 साल रही, 6 महीने रही, उसमें नाटक करने लग गई, समझ रहे हो। और फिर तुम्हारा क्या होता है, केस का खर्चा होता है भाई। देखो यार मैं जनरली नहीं बोल रहा कि सबके साथ ही ऐसा होगा, लेकिन मान के चलो कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं ना, इंटेंशन उनका गलत होता है भाई, शादी ही वो इसलिए करती हैं भाई इससे पैसे लो और आगे बढ़ो, हरासमेंट के लिए। गाँव में बहुत होता है कि शादी करवा देते हैं और फिर बाद में उनसे पैसे वैसे हड़पते हैं और फिर निकल लेती हैं लड़कियाँ, यानी कि ओवरऑल नुकसान किसका, लड़के का। अगर कोई बड़े घर के लड़के होते, बॉयज़ होते हैं, तो वो तो भैया झेल लेते हैं, लेकिन हमारे जैसे गरीब लोग, आप लोग जैसे लोग कैसे झेलोगे। तो इसलिए गरीब लोगों को शादी नहीं करनी चाहिए अनलेस जब तक कोई ऐसा लॉ पास ना आ जाए, मतलब लॉ पास ना हो जाए बॉयज़ के फेवर में स्पेशली, समझ रहे हो। कुछ लेके नहीं आई लेकिन लेके सब कुछ चली गई, समझ रहे हो, अपना मतलब पीछा छुड़ाने के लिए। अब वो जाएगी किसी और के पास भी जाएगी, वहाँ भी ऐसे करेगी, कानून भी उसको नहीं रोक सकता क्योंकि डाइवोर्स्ड है, मेंटेनेंस उसको मिल गया, अब वो दूसरी शादी करे तो उसका ओनर वो बन गया, उससे भी ये कर सकती है, कोर्ट कुछ नहीं बोलेगा, कोर्ट को क्या ले देना देना, प्रीवियसली उससे कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि उसका डाइवोर्स हो गया, उसने दूसरी शादी करी, तो कोर्ट उसको देखेगा ना भाई वहाँ पे वो हुआ है, ठीक है, सिंपल, उसे पास से क्या लेना देना, समझ रहे हो। तो प्रोविजंस को समझ रहे हो आप। सो मॉरल ऑफ द वीडियो ये है कि भैया अगर तुम गरीब हो और तुम की कोर्ट केस का ये सब खर्चा नहीं झेल सकते, तो लव मैरिज आपको नहीं करनी चाहिए, ओके, और भाग के तो शादी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए मेरे भाइयों, ठीक है। तो कैसी शादी करनी चाहिए, तो शादी करनी चाहिए अरेंज मैरिज में, आपको पता ही है घर वाले ओके, तो समझ गए होंगे कुछ लोग,
नहीं समझे तो भैया इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करो, मैं आपको बता दूंगा पर्सनली। यहाँ ना थोड़ा पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हो जाती है ना चीज़ें। ओके सो डोंट डिस्ट्रॉय योर गोल फॉर अ होल विदाउट एनी पेमेंट। ओके बाय।